श्रीमद्भागवत का जो उत्तर महात्म्य है उसमें ये लिखा है, दो श्लोक हैं उसके, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि नारायण भगवान जब कथा करते हैं तो वो कथा एक महीने में पूर्ण होती है, लेकिन वही कथा जब माता लक्ष्मी जी करती हैं वक्ता के रूप में तो वो कथा दो मास में पूरी होती है। तो भागवत से बड़ा प्रमाण इस बात का कोई हो नहीं सकता। मैं नारी हूँ मैं इसलिए नहीं कह रही, लेकिन शास्त्र कह रहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। उसी स्थान पर, हमारा देश तो इस देश में शिव की एक रात्रि है पर माँ दुर्गा की नौ रात्रियाँ मनाई जाती हैं। भारत की पद्धति हमेशा से ही नारी प्रधान रही है, ऐसा नहीं कि पुरुष नारी में कोई भेद किया गया, भेद नहीं किया गया है। और आज का समय तो ऐसा है कि कोई क्षेत्र हो नारी कहीं पीछे नहीं है, बेटियाँ कहीं पीछे नहीं हैं। जिस भी क्षेत्र में आप जाइए, धर्म का हो, राजनीति का हो, देश को पहले के समय में क्या था कि देश एक नारी नहीं संभाल सकती, लेकिन उसके आज इतने सारे प्रमाण भारत देश में, हमारे माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री रही, और जिस देश में हम बैठे हैं उस देश का भी देखो सबसे बड़ा प्रमाण, यहाँ सदा से जो राज्य रहा है वो नारियों का रहा है। तो आज भी एक क्वीन सारे देश को चला रही है और बखूबी चला रही है, बड़े सम्मान के साथ चला रही है। तो उस देश में बैठ कर के और अनेक हमारे भारत की जो सनातनी परंपरा है, तो मेरा कहना तो इतना ही है, क्योंकि अभी भी कहीं कहीं ऐसा स्थान है जहाँ अभी भी लोग मांगते हैं कि पुत्र ही चाहिए, बेटा ही चाहिए, नरक से तार दे वही पुत्र होता है और उसी से वंश बढ़ता है। खैर, सबकी भावनाओं को मेरा प्रणाम है, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि वास्तविकता में अगर आपके घर में किसी पुत्री का जन्म होता है तो इसका मतलब साक्षात श्री लक्ष्मी कह लीजिए या राधा रानी कह लीजिए, वही आपके घर पर पधारे। खैर, आप सब तो पढ़े लिखे लोग हो, अच्छे लोग हो, तो ये तो खैर है ही नहीं आपके भीतर, पर बहुत सारे लोग जो मुझे पूरी दुनिया से सुनते हैं उनसे भी निवेदन है कि भेदभाव बंद करो, सबको प्रोत्साहित करो। बोए जाते हैं बेटी पर बेटे, पर उग जाती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां। सुख के स्वप्न दिखाते हैं बेटे, पर जीवन को यथार्थ करती हैं बेटियां। एवरेस्ट पर ठेले जाते हैं बेटे, पर चढ़ जाती हैं बेटियां। लेकिन एक कुल को रोशन करता है बेटा, और दोनों कुलों को रोशन कर देती हैं बेटियां। तो इसमें कहीं भी लोग पूछते हैं कि धनवान कौन है, धनवान वो है जिसके घर की पुत्री, बेटी, बहू एकदम स्वतंत्रता से निडर हो करके जिए, उसकी अपनी स्वतंत्रता उसे प्राप्त हो, तो समझिए वो सच्चा धनवान है। तो महाराज श्री ने, शास्त्री जी ने आज वो थोड़ी सी बात स्मरण दिला दी। हम भागवत का महात्मा आप अवश्य पढ़िएगा, इस पर कोई विशेष वक्ता चर्चा करता नहीं है। भागवत का जो उत्तर महात्मा वो बहुत सुंदर है, उसमें विशेषकर ब्रज भाव है, जो राधा रानी का भाव है, गोपियों का भाव है, लेकिन उस महात्मा को हम छोड़ देते हैं। कोई नहीं, आपने किसी को सुना ही नहीं होगा ये महात्मा सुनाते हुए, जबकि वो पुराण, स्कंद पुराण का महात्मा है। तो बड़ी अच्छी बात आप श्री ने उठाई।